बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में मनारा चोपड़ा जो हैं चौथे नंबर पर रही। जी हां, चौथे नंबर पर रही मनारा चोपड़ा और बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले से हो गई आउट। सलमान खान ने मनारा चोपड़ा को बुला लिया और सलमान खान के सामने मनारा चोपड़ा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि ऐसा कौन सा खुलासा किया मनारा चोपड़ा ने। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। मनारा चोपड़ा से सबसे पहले सलमान खान ने ये कहा कि मनारा, तुम जितने भी दिन पूरे के पूरे सीजन में जितने भी पल जो है तुमने घर में बिताया है, उतने दिन जो है लोगों को तुमने इंटरटेन किया है और लोगों को तुमने खूब यहाँ पर इंटरटेन करने के साथ साथ जो है एंजॉय करवाया है शो को, और तुम्हारी वजह से जो है यहाँ पर शो कई लोगों ने देखना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है मनारा। ये बात जब कहते हुए नजर आएंगे सलमान मनारा से, तब मनारा जो है वो थैंक यू यहाँ पर कहने वाली है अपने ऑडियंस को, अपने सारे के सारे उन जनता को जिन्होंने उन्हें उनके लिए वोट किया। अब इसके बाद यहाँ पर सलमान पूछते हैं मनारा से कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने एक्सपेक्ट किया था कि चौथा नंबर तुम्हें जो है वो मिलेगा बिग बॉस 17 में? तो यहाँ मनारा कहती है कि मैं तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं टॉप 2 जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन टॉप 4 में मैं रही, ये मेरे लिए बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन के बीच में मैं निकल कर जो सामने आई, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है। ये बात जो है वो कहा, और मैंने अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाई। अभी तक मैं चोपड़ा के लिए, चोपड़ा खानदान के नाम से जो है मैं जानी जाती थी, लेकिन अब मैं यहां पर मनारा चोपड़ा के नाम से जो है मैं जानी जाऊंगी, मैंने अपना खुद का व्यक्तित्व बनाया है। ये बात जो है मनारा चोपड़ा ने सलमान खान के सामने कहा। इसके बाद सलमान खान ने कहा कि बाकी जो घर वाले हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तो यहाँ पर मनारा चोपड़ा ने गलती से कह दिया कि मुनव्वर फारूकी सबको लग रहा है जीतेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये बात जो है अचानक से मनारा चोपड़ा ने पलटी मारते हुए सलमान खान के सामने जो है ये खुलासा किया। शुरू से ही मनारा जो है मुनव्वर जो है वो जीतेगा, ऐसी बातें जो है वो कह रही थी, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने यहाँ पर नाम लिया किसी और का नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे का नाम लिया और कहा कि अंकिता लोखंडे जो है बिग बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी को अपने नाम पर कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब देखते हैं कि मनारा चोपड़ा की भविष्यवाणी जो है वो सही होती है या नहीं। कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।